तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टेंडर के फिस्कल एस्पेक्ट के बारे में, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी दो वीडियो बना चुका हूं, जिसकी सबसे पहली वीडियो मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड NIT के बारे में, और दूसरी वीडियो मैंने आपको बताया था EMD यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के बारे में। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, ये हमारी इस सीरीज की तीसरी वीडियो है, जिसमें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कार पॉलिसी को। कार पॉलिसी को हम लोग जनरली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क पॉलिसी। तो इसका जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, तो वो आज मैं आपको पूरी तरह से क्लियर करूंगा। तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं कि जो भी कार पॉलिसी होती है, तो वो बेसिकली एक टाइप का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस किस टाइप का है, क्यों लिया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें कवर होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर नहीं होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर कोई इंश्योरेंस है, अभी आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट करके चलिए कि कार पॉलिसी एक इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस है तो उसका एक पीरियड भी होगा, और जो पीरियड है वो किस चीज़ का है, आपके प्रोजेक्ट के कंप्लीशन का। तो यहाँ पर आपकी एक पॉइंट नंबर 6 यानी कि शेड्यूल ऑफ कंप्लीशन अब लिंक हो रहा है कॉन्ट्रैक्टर ऑल रिस्क पॉलिसी से। बहुत ध्यान से समझना, अब किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन कितने टाइप के होते हैं वो मैंने यहाँ पर बना दिया है। अब आपको बहुत 1x1 समझना है, किसी भी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होते हैं दो टाइप के, एक होता है आपका वर्चुअल कंप्लीशन जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, और एक होता है सक्सेसफुल कंप्लीशन। दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का रोल है आपकी कार पॉलिसी के टाइम पीरियड का, जिसका आपको इंश्योरेंस लेना है। तो अब होगा क्या कि मैं मान लेता हूँ कोई एक प्रोजेक्ट है जो किसी कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड किया गया, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि वो प्रोजेक्ट इसको 12 मंथ में ख़त्म करना है, यानी कि एक साल में। अब बात आती है कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है 12 महीने में काम ख़त्म कर देता है या उसके पहले कर देता है, तो जिस डेट को उसका काम ख़त्म होगा प्रोजेक्ट पे, तो वहाँ पर उसको इशू किया जाता है वर्चुअल कंप्लीशन। और वर्चुअल कंप्लीशन तभी उसे होता है जब वो फाइनल बिल सबमिट करता है, तो उसके बेस पे उसको वर्चुअल कंप्लीशन इशू कर दिया जाता है। तो यानी कि ये तो थी जो ओरिजिनल टाइम था, यानी कि जब आपका काम स्टार्ट हुआ और जिस जगह पर प्रोजेक्ट पे काम ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर हो जाता है आपका वर्चुअल कंप्लीशन। अब बात आती है कि सक्सेसफुल कंप्लीशन क्या है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने जो भी काम किया है साइट पे, तो उसमें उसकी एक वारंटी गारंटी का पीरियड भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो यानी कि देखिए ये वाली क्लॉज भी इससे जुड़ रही है, और DLP जो जनरली रखी जाती है ये 12 मंथ्स के आसपास होती है ज़्यादातर के सिविल के प्रोजेक्ट्स में। और जब ये वर्चुअल कंप्लीशन से नेट 12 मंथ्स पूरे हो जाएंगे, यानी कि ये जो DLP जब आपकी पूरी हो जाएगी और विदाउट एनी डिफेक्ट सारी चीज़ों के बाद, तो उसको उस पॉइंट पे मानेंगे कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कंप्लीट हुआ है, सक्सेसफुली हैंडओवर हुआ है। अब इनमें फ़र्क क्या है, इनमें कार पॉलिसी का कैसे कैसे रोल है, तो वो अब मैं बताता हूँ स्लाइड के बेसिस पे जो मैंने स्लाइड बनाई है। और एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे कि कार पॉलिसी लेनी है वो कितने वैल्यू के लिए लेनी पड़ती है, उसमें थर्ड पार्टी का कवर कितना होता है, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्या है, यानी कि ये लेबर कंप्लाइंस वाला पार्ट भी आपका अभी ऐड होगा कार पॉलिसी में। तो वो अब समझते हैं हम लोग स्लाइड। चलिए अब समझते हैं कार पॉलिसी को इस स्लाइड की बेसिस पे। इसको मैंने 4 पार्ट में बनाया है, जिसमें पहला पार्ट है आपका व्हाट इज कार पॉलिसी, दूसरा बेसिक कवर्स इन कार पॉलिसी, एड ऑन कवर इन कार पॉलिसी एंड एक्सक्लूजंस इन कार पॉलिसी। अब इस स्लाइड में मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और उनको हाईलाइट किया हुआ है, और इस स्लाइड को मैं डायरेक्ट लिंक करूंगा एक कंस्ट्रक्शन के ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट से। यानी कि जो इंश्योरेंस की क्लॉज देख रहे हैं ये आपकी कार पॉलिसी की क्लॉज है, और इसको एग्जांपल मान के समझेंगे कि ये जो टेंडर है यानी कि जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो कार पॉलिसी के लिए क्या कह रही है। तो इसमें सबसे पहले फोकस करेंगे पहले वाले पार्ट को, यानी कि ए वाले को। कॉन्ट्रैक्टर वर्क्स फॉर एंटायर कॉन्ट्रैक्ट सम प्लस 15% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सम टुवर्ड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपका ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट जितने का आपको अवार्ड हुआ है, सपोज मान लीजिए आपको काम अवार्ड हुआ है 1 करोड़ का, तो आपको जो कार पॉलिसी लेनी है प्लस 15%, तो यानी कि 115 लाख, यानी कि 1.15 crore की जो इंश्योरेंस है वो आपको कराना पड़ेगा ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए। और वो वैलिड कब तक रहेगा, जो हमने अभी पीछे समझा था वर्चुअल कंप्लीशन, वैलिड टिल दी वर्चुअल कंप्लीशन पीरियड एंड एनी एक्सटेंशन देयर ऑफ। अगर वर्चुअल कंप्लीशन की डेट में कुछ आगे पीछे भी डेट होती है तो वो भी इसमें एडजस्ट करना है,
प्लस 30 डेज। और अब कार पॉलिसी में किन किन चीजों को कवर करने के लिए बोल रहा है वो, अर्थक्वेक से अगर बिल्डिंग को कोई डैमेज होता है तो वो आपको कवर कराना है, सिविल कॉमर्शन राइट्स, टेररिज्म एंड अदर डिस्टर्बेंस, तो ये सारी चीजें आपको अपनी पॉलिसी में कवर करानी पड़ेंगी। और इसके अलावा कुछ और बेसिक कवर्स हैं जो मैंने आपको बताने हैं, जैसे कि अर्थक्वेक हमारा उसमें दिया हुआ था, फायर एक्सप्लोजन, अगर बिल्डिंग में आग लगती है उससे भी अगर कोई डैमेज होता है तो ये चीज आपको अदर टेंडर्स में देखने को मिल सकती है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है अर्थक्वेक की वजह से, तो वो भी आपका इसमें कवर होना चाहिए। इसके बाद में कोई स्टॉर्म है, साइक्लोन है, उससे अगर कोई डैमेज होता है तो ये भी आपको इसमें कवर कराना है। फ्लड है, लैंडस्लाइड है, लॉस और डैमेज ड्यू टू राइट, ये टेंडर में हमें दिया हुआ था। इसके बाद में पिलफेराज, बर्गलरी, कोई चोरी वगैरह हो जाती है तो ये भी आपको बेसिक कवर में कवर करानी पड़ती है, तो ये सारी चीजें आपको टेंडर्स में देखने को मिल सकती हैं। तो चलिए अब देखते हैं टेंडर हमारा अगला किस पॉइंट के लिए बोल रहा है। अगला पॉइंट है हमारा सी, वो बोल रहा है डेब्रिज रिमूवल, यानी कि वो ये कह रहा है कि अगर बिल्डिंग अर्थक्वेक से कोलैप्स हो जाती है या फिर अगर तोड़नी पड़ती है तो जो भी मलबे का रिमूवल है वो आपको एड ऑन कवर वाली कार पॉलिसी में लेना पड़ेगा। यानी कि एड ऑन कवर्स डिपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्टर को एड कराने पड़ते हैं जिससे उसका प्रीमियम जो है वो बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज भी उसने बोली है कि ये चीज भी आपको उसमें एड करानी है। अगला पॉइंट क्या है, एक्सटेंडेड मेंटेनेंस टिल कवर कंप्लीशन ऑफ डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, यानी कि वो ये कह रहा है कि जब आपको वर्चुअल कंप्लीशन तो इशू हो जाएगा, इसके बाद में जो मेंटेनेंस की जो कवरेज है उसको भी आपको उसमें एड ऑन कराना है, जो कि आपका सेम एज डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होगा, तो इसके लिए भी इसमें आपका एड ऑन कवर रहता है, जैसे लिमिटेड एक्सटेंडेड मेंटेनेंस कवर, तो ये चीज भी आपको अपनी कार पॉलिसी में एड करानी है, इस चीज के लिए वो बोल रहा है। इसके बाद में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंक्लूडिंग क्रॉस लायबिलिटी, ये देखिए बहुत ध्यान से समझना, इसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और किसी थर्ड पार्टी, यानी कि आपके कोई सराउंडिंग में कोई प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डिंग बनी हुई है ऑलरेडी, अगर उसको कोई डैमेज होता है तो वो भी आपको कवर कराना है। इन केस कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है, एम्प्लॉई है, सब कॉन्ट्रैक्टर का एम्प्लॉई है, कोई भी थर्ड पर्सन है, यानी कि जनरल पब्लिक पर्सन है, अगर उसको कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, इंजरी हो जाती है इवन, या फिर डेथ हो जाती है, तो वो सारी चीजें भी आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में कवर करनी है। और ये मैंडेटरी क्लॉज होती है, इसको तो लेना ही लेना चाहिए हर एक कॉन्ट्रैक्टर को। सबसे पहला वाला पार्ट है थर्ड पार्टी लायबिलिटी, लीगल लायबिलिटी फॉर फेटल एंड नॉन फेटल इंजरी, यानी कि अगर मौत हो जाती है या हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है तो थर्ड पर्सन, तो इसके लिए भी आपको अपने एड ऑन कवर में एड कराना पड़ेगा। इसके बाद में डैमेज ड्यू टू ओनर सराउंडिंग प्रॉपर्टी, जिसके लिए मैंने बताया था कि अगर आसपास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप ये वाली क्लॉज को एड ऑन करा सकते हो अपनी पॉलिसी में, जिसमें लीगल लायबिलिटी फॉर एक्सीडेंटल डैमेज और लॉस कॉज टू दी प्रॉपर्टी असेट ऑफ थर्ड पर्सन ड्यू टू दी कंस्ट्रक्शन, तो ये इस चीज के लिए वो बोल रहा है कि आपको ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी का इंश्योरेंस भी लेना है, जिसमें उसने इसमें वैल्यू दी हुई है 1 करोड़ की वैल्यू दी हुई है, तो इसका भी आपको एड ऑन कराना पड़ेगा। और जो अब सबसे आपकी लास्ट में बनती है वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है क्लाइंट क्या कहना चाह रहा है, पॉलिसी टू कवर कॉन्ट्रैक्टर्स लायबिलिटी अंडर, यानी कि आप देखिए अगर मान लीजिए जो कॉन्ट्रैक्टर साइट पे काम कर रहा है और वो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 को फॉलो नहीं करता है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये वाले जो एक्ट हैं ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं, इंक्लूडिंग J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, तो कॉन्ट्रैक्टर लेबर रेगुलेशन एंड एबोल्यूशन एक्ट 1970, तो उसमें होगा क्या कि अगर कॉन्ट्रैक्टर पाया जाता है कि उसने वायोलेशन करी है इन सारे एक्ट्स की, तो जो भी उसको पेनाल्टी लगेगी वो प्रिंसिपल यानी कि ओनर को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी है, तो उस केस में क्लाइंट ये कहना चाह रहा है पॉलिसी टू कवर कॉन्ट्रैक्टर्स लायबिलिटी अंडर ये जितने भी एक्ट हैं, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट को इंडेमनिफाई रखना है, उसको अब्सटेन करना है कि कोई भी लायबिलिटी अगर इन केस में इनके वायलेशन पे बनती है उस प्रोजेक्ट पे, तो उसका भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्टर को अपने बिहाफ पे कराना पड़ेगा और क्लाइंट को पूरी तरह से इंडेमनिफाई रखेगा। इसके बाद में एक पॉइंट और है मैरीन क्यूम इरिक्सन ऑल रिस्क इंश्योरेंस विद थेफ्ट, इसमें वो ये कह रहा है कि अगर कुछ जो सामान है आपकी प्रोजेक्ट में लगने वाले अगर वो बाई सी आते हैं, अगर आपका सामान वहां पर चोरी हो जाता है,
जहाज डूब जाता है तो उसका भी इंश्योरेंस आपको इसमें कराना है, तो वो चीज भी इसमें इसने दी हुई है। अब कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ जो आपकी जुड़ी हुई है कॉन्ट्रेक्टर के फेवर में। जैसे स्टोव है, साइक्लोन है, फ्लड है। अब मान लीजिए आपकी साइट पर बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, फ्लड के केस में वाटर लॉगिंग हो जाती है। वाटर लॉगिंग केस में मान लीजिए आपकी जो भी मशीनरी थी, इक्विपमेंट्स थे, बेसमेंट में रखे हुए थे, जैसे पंप हाउस है, डीजीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अगर उनमें कुछ डैमेज हो जाता है तो कॉन्ट्रेक्टर को एक चीज हमेशा एड ऑन करानी चाहिए, कॉन्ट्रेक्टर्स की प्लांट एंड मशीनरी को। ये कॉन्ट्रेक्टर अपने फेवर में उस चीज को एड ऑन करा सकता है। दूसरा सेम चीज है स्टॉर्म एंड साइक्लोन के केसेस में। स्टॉर्म एंड साइक्लोन आया, आपके क्लाइंट की बिल्डिंग को तो डैमेज हुआ तो यानी कि उसका तो कवर हो गया, लेकिन जो आपकी टावर क्रेन लगी हुई थी, आपका बैचिंग प्लांट था, उसका जो भी लॉस हुआ तो वो भी आप इसमें कॉन्ट्रेक्टर्स प्लांट एंड मशीनरी में कवर करा सकते हैं। और ये चीजें भी कॉन्ट्रेक्टर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ये चीजें देखनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की। तो कार पॉलिसी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इंश्योरेंस अगेंस्ट डैमेज और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। जिसमें वो प्रोजेक्ट कोई भी हो सकते हैं, बिल्डिंग, रोड्स, एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, तो इन सब में जो भी आपके रिस्क हैं तो उनको कवर करने के लिए आपकी कार पॉलिसी ली जाती है। और कवरेज कैन बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट, यानी कि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड रहते हैं। जैसे कि क्लाइंट की जो इंटरेस्ट था उसने अपना इस टेंडर में इंटरेस्ट बता दिया था, उसको क्या चाहिए था, इसके बाद में कॉन्ट्रेक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सब कॉन्ट्रेक्टर्स के लिए, अपने लिए, सप्लायर्स के लिए उसमें एड ऑन करा सकता है जो भी उसको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद में ऑल रिस्क इंश्योरेंस कवर्स एक्सीडेंटल फिजिकल लॉस और डैमेज टू कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। तो ये जितने भी आपके रिस्क होते हैं इन सारी चीजों को कवर करती है आपकी कार पॉलिसी। तो आई होप गाइस आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कार पॉलिसी क्या होती है, टेंडर में इसको कैसे पढ़ना होता है, कैसे समझना होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।